हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, निर्मला यादव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चलो वहाँ बैठो, बीच में बोलना नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आज का वीडियो देखी हूँ रजनी और कौशल जी का, बहुत ही बढ़िया लगा है, बहुत ही बेहतरीन लगा है दोस्तों। और मुझे अपना गाँव याद आ गया है दोस्तों, क्योंकि मैं भी अपने गाँव में जब रहती थी, ज़्यादा दिन तो नहीं रही थी, 4-5 साल ही रही थी, पर बहुत मज़ा आया था दोस्तों। अब 4-5 साल रहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि मैं 4-5 साल क्यों रही थी। बचपन थी, छोटा थी तो 4-5 साल रही होगी, और बड़ी हुई तो मुश्किल से वही 4-5 साल होगी, समझ लीजिए दोस्तों 10 साल, और 10-7-8 साल गुजरा शहर में। और क्या ही बताऊं आप लोग को दोस्तों, अब मैं कि किसकी बात, किस बारे में मैं बात बताने जा रही हूँ, तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रही हूँ आपको दोस्तों। रजनी और कौशल जी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेती करने जा रहे हैं गेहूँ की। आज मैं देखी हूँ वीडियो उनको खेती का, बॉय का खेत में गेहूं बोते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों देखकर, और मुझे अपना गांव याद आ गया। मेरे भी गांव में मेरे चाचा, मेरे चाची और बुआ लोग, मतलब सब लोग, जितनी फैमिली जो हैं सब लोग हाथ बटाते थे दोस्तों। अब ये नहीं कही, ये मत सोचिएगा दोस्तों कि हाथ बटाने से खेती लोग करने लगते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आलू का सीज़न आता है, अभी आलू का सीज़न चल रहा है ना दोस्तों, आलू बोने हम लोग जाते थे, अच्छा लगता था दोस्तों। मजदूर लोग रहते थे, मतलब हम लोग जाते थे खाना पीना ले करके, तो अच्छा लगता था देख कर, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा बो देते थे दोस्तों, अच्छा लगता था। आलू गिरा देते थे, आलू का खेती होता था तो आलू थोड़ा थोड़ा गिरा के देखते थे, मतलब मज़ा आता था दोस्तों। और गेहूं का बुआई होता था तो ऐसा नहीं करने जाते थे दोस्तों, क्योंकि गेहूं का बुआई तो हम लोग को करने नहीं आता है, गेहूं मतलब बोने नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता था और नहीं आता है दोस्तों, तो मैं ऐसा वो नहीं मैं करने जाती थी हम लोग। मगर जेंट्स में हमारे चाचा जो हैं करते थे, मेरे चाचा खेती करते हैं, मेरे बीच वाले चाचा खेती ही करते हैं वो, उनको और कुछ आता नहीं है दोस्तों, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना दोस्तों, तो उनको खेती करना अच्छा भी लगता था शुरू से, बचपन से ही उनको खेती करना बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि खेती का याद आ गया दोस्तों, हमको बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों देखकर, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने खेत में काम कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था दोस्तों। और क्या ही बताऊं आपको दोस्तों कि खेती करने में कितना मज़ा आता है, बाहर का ठंडी ठंडी हवा, और वो भी इस टाइम ठंडी ठंडी हवा ही चलती है दोस्तों, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ठंडी ठंडी हवा, और मज़ा आता था कब दोस्तों, जब खेत से घर जाना शाम के टाइम, सुबह का निकले शाम को जाते थे, आते थे चाचा, तो अच्छा लगता था दोस्तों खेती करके चाचा के साथ, अच्छा लगता था। और खेती में करने नहीं जाती थी दोस्तों, देखने जाती थी बस, अच्छा लगता था, मज़ा आता था दोस्तों, ट्रैक्टर से जोताता था, अच्छा लगता था। तो ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि रजनी अभी जा रही है खेती करने गेहूं का। ओए तो मुझे बहुत देखकर खुशी हो रही है दोस्तों, रजनी जा रही है, क्योंकि मैं सर पे उठा कर ले जा रही थी बहुत हंसी भी आ रहा था दोस्तों, और अपनी बातें याद आ रहा था दोस्तों कि हम लोग भी ऐसे ही करते थे, घर पे रहते थे गांव पे, तो चाचा और चाची सब लोग कहते थे ये करो वो करो वो करो वो करो, बहुत अच्छा लगता था दोस्तों, अपनी बातें याद आ जाती है सच में यार, सच में दोस्तों, तो अच्छा लगता था। तो देखती हूँ खेती कैसा होता है, कौशल जी का रजनी का कैसा गेहूँ होता है,
वो भी देखने को मिलेगा ही दोस्तों। अभी तो बोया गया है अभी, और जब उपजेगा तब ना मालूम चलेगा कि गेहूँ कैसा हुआ है दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी दोस्तों, नहीं अभी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मैं अभी सालू के बारे में तो छोड़ ही दे दोस्तों। सालू का आज हल्दी है, और हल्दी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। गुड़िया भाभी आई हैं, और पूजा जी आई हैं, और क्या उसको उनको बोलते हैं, प्रिया तो आ ही गई है, मंटू बहुत पहले से तो है ही, और भी कितने लोग थे दोस्तों, नाम याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है कौन भाभी, कौन भाभी कोई आई है, नई 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 यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी हैं, गाना गा रही थी पुराने ज़माने का, अच्छा लग रहा था दोस्तों सुनकर गाना। तो अभी मैं वीडियो बंद करती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और 10 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों, देखती हूँ किस किस लोग, कौन कौन लोग देखते हैं, तो मेरे को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट, बाय।